क्योंकि मेरी तरफ ध्यान रखोगे ना तभी तो मैं चटनी बनाऊंगा सबकी। ये मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं किसानों को आजादी दिलाऊं राजस्थान का, और गुंडे बदमाशों को हथकड़ी दिला के पैदल मार्च निकलवाऊं राजस्थान के अंदर, चाहे वो कितने भी, इस राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा। 90 लाख में से आप जोड़ लें 80% पोलिंग होगी, और उसका 70% भी अगर RLP को मिल गया, जो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कौन बनाएगा, पेपर लीक की घटनाओं पे कौन अंकुश लगाएगा, कौन बजरी माफिया का इलाज राजस्थान के अंदर करेगा, कौन कर्ज मुक्त किसान करेगा, कौन जवानों को रोजगार दिलाएगा, कौन बहन बेटी अबला की इज्जत बचाएगा, किसका शासन आने से गुंडे अपराधी राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे, वो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहेगा। और ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में कोई ला सकता है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर ला सकती है। भाइयों मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर मोदी से लड़ रहा हूँ, स्टेट में गहलोत से लड़ रहा हूँ, पायलट से दोस्ती थी वो भी रूठ के चले गए अलग, झगड़ा में गहलोत से नहीं कर पाए, गहलोत की छतरी के नीचे चले गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल की लड़ाई जारी है। और मेरी लड़ाई किसके पीछे, आपके लिए, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। मुझे अगर सत्ता में शामिल होना होता कभी का हो जाता, अब होना चाहूँ, सत्ता मेरे इर्द गिर्द घूमती है 15-20 साल से लगातार, आओ हनुमान जी आधी अधूरी सत्ता के अंदर आ जाओ। मैं कहता हूँ आधी अधूरी सत्ता में नहीं आऊँगा, मैं पूरी सत्ता लूँगा, पूरी सत्ता किसान के बेटों को कैसे मिले, ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता। पिछली बार मैंने एक मदद नहीं की, कम से कम 20 जगह मदद की थी लोगों की, उसकी वजह से कई मंत्री बन गए, कई विधायक बन गए, कई गलतफहमी हो गई। अब की बार 23 के अंदर जब मतगणना हो, 10:30 से 11 बजे तक देखना कितने निकल के भागते हैं, कितों के पैरालिसिस होता है, कितों की आवाज़ चली जाती है, 10:30 से 11 बजे तक हो जाएगा। अब की बार मदद होगी राजस्थान के जवान किसान, आपकी उम्मीद जो आपकी है कि हमें इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना, कब्जा करने के लिए RLP इस बार हर सीट पर उम्मीदवार लड़ाएगी। लोग कह रहे हैं आपके लड़ने से किसको फायदा है, किसको किसी को फायदा नुकसान जो होगा देखा जाएगा, हमें तो हमें राजस्थान लड़ने से इस राजस्थान की जनता को फायदा है, देश में एक बात चलेगी, ये वही राजस्थान है जहाँ एक रोटी को एक बार इधर से सेकते हो और एक बार इधर से सेकते हो। कांग्रेस BJP एक नया दल राजस्थान के अंदर आया, जिसने नई उम्मीद राजस्थान के अंदर जगाई, जिसने नए दूसरे दलों को तैयार किया राजस्थान के अंदर, वो सारे नए दल अगर साथ खड़े हो जाएं तो हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट लेते हैं। एक बार विश्वास चलाता हूँ, डेगाना की सीट अगर आप निकाल के दोगे तो राजस्थान में अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 करोड़ से ज़्यादा वोट राजस्थान के अंदर लेगी, ये मैं विश्वास के साथ आपको बीच कहता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं घूम रहा हूँ, मैं इस राजस्थान के गाँव ढाणी ढाणी घुमाऊँ, 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उठा के पूछ रहे हैं किसमें किसके कितने वोट आएंगे कैसे आएंगे, ये तो जानकारी और हमारे पास क्या भाई, ये तो है ही सारा आपके सामने है, 25 सालों का संघर्ष, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा लोकसभा का सफर, पार्टी बना के इस राजस्थान के लिए जो कहते थे सेंट्रल हॉल में लोकसभा के MP हमें कि राजस्थान में कहाँ पार्टी बन सकती है, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे रामदार जी टाडा प्रधान जी बैठे हैं, हम साथ थे BJP के अंदर एक जमाने के अंदर, मैं हमेशा क्रांतिकारी बात करता था, ये सोचते थे देखते थे कि रामनिवास जी कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आए पादू वाले RLP के अंदर, तो इन्होंने देखा नज़दीक से। रिया के अंदर कॉलेज खोलने की बात थी, रामनिवास जी 150 लोगों को लेकर मेड़ तक कॉलेज के कार्यक्रम के अंदर आए कि साहब आपके खींचर में कॉलेज खुल रही है। मैंने कहा राज तो मेरा नहीं है लेकिन मैं कागज़ लिखता हूँ, डरता हुआ गहलोत कॉलेज खोल देता है, ये सही है, और मेरा कागज़ दिल्ली जाता है, दिल्ली में भी नो नहीं होता, लटका देते हैं ये शो के यार, उनको पता कि अगर इसका कागज़ खराब कर दिया तो किसी MP MLA को खराब कर देगा राजस्थान के अंदर, ये इसलिए मेरा काम होता है। तो इन्होंने कहा कॉलेज खुल जाएगी, मैंने कहा पक्का वादा करो, मैंने कहा पक्का वादा कि साहब बेगाना वालों तो बहुत टाइम तक हमें कहा कॉलेज खुलाएंगे, 20 साल हो गए, मैंने घोषणा कर दी मंच पर, मैंने कहा रिया में कॉलेज खुलेगा, और कॉलेज खुल गया। बजट का जब आखिरी रिप्लाई दे रहे थे मैं, रिया में कॉलेज की घोषणा हो गई, अच्छी बात है, रिया के अंदर जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, बजरी निकल गई ईश्वरी कृपा से, बजरी किसने हमें हमारे पास आने दी, बजरी माफिया आ गया, बड़े माइंड शोल्डर आ गए, लेकिन मैंने प्रयास किया, बजरी माफिया को भगा दिया, आप निकाल रहे हो बजरी, धीरे धीरे निकालो, एक साथ मत निकालो ज़्यादा, एक साथ निकाल के गाड़ियाँ दौड़ा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, आपस में मर जाओगे तो बजरी क्या काम आएगी।
बदरी माफिया भाग गया, समझदारी से काम लो। सरकार अगर हमारी आ गई, सरकार अगर हमारी आ गई, घूमने दो उनको कुछ नहीं सुना ऐसे भाग। सरकार अगर हमारी आ गई तो बजरी के ठेके भी आपको दे देंगे, हर खेत अरे उधर मत देखो, भोंगते रहते भोंगने दो उनको, हर खेत सिंचाई का पानी होगा, बजरी की माइंस आपके यहां मिलेगी, किसानों को मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और कर्ज मुक्त किसान की जो वादा हम पूरा करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। और जवानों को रोजगार होगा, जवान के हाथ में बंदूक नहीं होगी, कलम और रोजगार होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय हमारा है। कुछ लोग अगर आप उधर मेरी तरफ भी ध्यान रखो आप सब, क्योंकि मेरी तरफ ध्यान रखोगे ना तभी तो मैं चटनी बनाऊंगा सबकी, मेरा इधर मैं सब कर दूंगा, चिंता ही मत करो। ये मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं किसानों को आजादी दिला हूं राजस्थान का, और गुंडे बदमाशों को हथकड़ी दिला के पैदल मार्च निकलवाऊं राजस्थान के अंदर, चाहे वो कितने भी बड़े। और नहीं मानते हो पूछ लो, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मजबूती से तोलते थे, क्या स्थिति हुई उनकी? सलाखों को पीछे डलवाया, ठीक कर दिया, एक टेबलेट खाते थे पांच पांच टेबलेट चालू करा दी। यहां भी लंबी चौड़ी स्थिति नहीं है, सांस फूलती है, बकवास करते हैं, उससे क्या बटना है? कुछ नहीं। समय आएगा, समय आ गया, और जिस दिन समय आएगा कहेंगे नहीं इस बार FR दे देंगे, फाइनल रिपोर्ट पूरी परमानेंट। और डेगाना में, डेगाना में ऐसा उम्मीदवार उतरेगा जिसकी घोषणा होती ये बिलों में छुप जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने जो ताकत मुझे दी, सबने जो मजबूती मुझे दी, आगे भी ताकत और मजबूती के साथ आपको हनुमान बेनीवाल का साथ देना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है, और ताकत के साथ हम लड़ेंगे, डेगाना पर विजय हासिल करेंगे, नागौर पर विजय हासिल करेंगे, और राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।